नया नया चैप्टर नया है बेटा आईडी का, रूरल डेवलपमेंट। सर क्या अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो सबसे पहले आपको इंडिया में रूरल वर्ड की इम्पोर्टेंस जरूर मालूम होनी चाहिए। अगर मैं देखो सिर्फ रूरल के बारे में बात करूं, रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करूं, तो ये बात तो बड़ी कंफर्मेटरी बात है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो मैं आपको बता दूं आपकी इंडिया का ज्योग्राफिकल की बात करें तो ज्योग्राफिकल आपका अप्रोक्सीमेट 60% एरिया इज रूरल एरिया। ज्योग्राफिकली 60% एरिया इज व्हाट? रूरल एरिया। इसका मतलब तुम्हारा देश 40% 60% गांव है। अगर आप और मैं शहर में रह रहे हैं तो इस बात का गुमान मत कीजिए कि बहुत अच्छी बात है, ये कोई गुमान वाली बात नहीं है, क्योंकि आप और मैं कहाँ रह रहे हैं बेटा? शहरों में रह रहे हैं। आप और मैं कहाँ रह रहे हैं? अगर हम लोग शहरों में रह रहे हैं तो हमारा पार्ट होना चाहिए कि क्योंकि हम शहरों में रह रहे हैं तो इसका मतलब पूरा देश के अंदर, पूरे देश के अंदर कहते हैं शहर नहीं है, पूरे देश के अंदर गांव ज्यादा है। देश के अंदर गांव क्या है बेटा? ज्यादा है। ठीक है बेटा, अगर अपन आगे की बात करें तो अपने देश का 60% ऑफ द एरिया, 60% ऑफ द एरिया क्या है? रूरल। अगर अपन बात करें, दिस इज द ज्योग्राफिकल। अगर मैं पॉपुलेशन वाइज बात करूं तो पॉपुलेशन वाइज तो आप और ही बुरे हैं। आपके 62% ऑफ द पॉपुलेशन क्या है? रूरल बेस्ड। की 62% ऑफ द पॉपुलेशन क्या है बेटा? रूरल बेस्ड। क्योंकि आपकी 62% ऑफ द पॉपुलेशन रूरल बेस्ड है, इसलिए जब भी देश को, जब भी आपकी इंडिया को, जब भी आपके सारी पार्टीज को जब कभी डेवलपमेंट की बात करनी पड़ती है तो वो गांव के डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। सर गांव के डेवलपमेंट से क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि तुम्हारा देश मोर देन 50% तो गांव है। तो बेटा आज आप और मैं शहर में रह रहे हैं, आप और मैं समृद्ध हैं, आप और मैं अच्छे अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, आपके और मेरे पापा मैक्सिमम टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर मतलब मैं टीचिंग कर रहा हूँ, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई फैक्ट्री खोल के बैठा है, ये सब टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर है। लेकिन जो असली भारत है, जो एक्चुअल इंडिया है, वो कहाँ बसता है बेटा? गांव में। जो एक्चुअल इंडिया है वो कहाँ बसता है? गांव में। इसीलिए गांव का डेवलपमेंट या गांव के डेवलपमेंट की बात करना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है देश के लिए। तो सर आपने ये बात इसीलिए बता दी, कि हम रूरल डेवलपमेंट नाम का चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। जब से देश आजाद हुआ पूरी भारतीय 5-year प्लान्स का या इंडियन 5-year प्लान्स का पूरा फोकस अल्टीमेटली कहाँ पे रहता था बेटा? गांव की तरफ। इंडियन 5-year प्लान्स का पूरा फोकस कहाँ पे रहता था? गांव की तरफ। इसीलिए गांव की तरफ क्योंकि हमारा देश का मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे बसता है बेटा? गांव में। हमारे देश का मैक्सिमम पार्ट कहाँ बसता है बेटा? गांव में। इसलिए हमारे देश का मैक्सिमम फोकस कहाँ पे था? रूरल डेवलपमेंट में। तो सर रूरल डेवलपमेंट करना है मतलब गांव का विकास करना है, मतलब छोटे छोटे तो बोलते ना तहसीलों का विकास करना है, तो वहां पे चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो बेटा अगर आप इसको अपन बुक में से ना भी पढ़े, अगर मैं बुक को पूरा हटा भी दूं, तो अगर मैं बच्चों से पूछना चाहूं कि सर किसी भी गांव में एक बच्चे को, भले आप सब लोग शहर में ही पले बड़े हो, अगर आप बात करूं तो एक बच्चे को क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है गांव में, कैसी कैसी प्रॉब्लम है हो सकती है गांव में? सबसे पहली प्रॉब्लम अगर आपके मन में आती है तो शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो गांव में है, आप बोल सकते हो सर प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मतलब गांव में बेटा पैसा नहीं है, छोटे छोटे किसानों के पास क्रेडिट कमी है। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी है? फाइनेंस की, मतलब दे डोंट हैव मनी टू यूज ऑल द रिसोर्सेज। तो सर बेसिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप बुक के थ्रू नहीं भी जाते हो, अगर अपन बेसिक्स भी बात करें तो सर फाइनेंस के बाद अभी अपन फाइनेंस पे डील करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? एजुकेशन। क्या गांव तक प्रॉपर एजुकेशन पहुंच चुकी है क्या? नहीं है सर, गांव तक प्रॉपर एजुकेशन नहीं पहुंची है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? सर पॉवर्टी। शायद गांव में थोड़ी गरीबी ज्यादा है कंपेयर टू शहर, क्योंकि गांव में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है? कम। क्योंकि गांव में जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर हम बात करें, गांव में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, दूसरी चीजें कम है, तो गांव में दूसरी प्रॉब्लम क्या है? पॉवर्टी की प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, अगर अपन और बात करें तो गांव में तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए वो थोड़ा सा कम है। ठीक है ना बेटा, सो दिस आर द वेरियस चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, अब अपन थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। सर फाइनेंस मतलब क्या? फाइनेंस मतलब क्रेडिट। फाइनेंस मतलब क्या? क्रेडिट। और क्रेडिट में कौन कौन से क्रेडिट आते हैं? एक आता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, फिर तुम्हारे पास एक आता है मीडियम
टर्म क्रेडिट और एक तुम्हारे पास आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। सर गांव में जो छोटे छोटे किसान होते हैं क्या उनको पैसों की जरूरत होती है? हाँ बेटा पैसों की तो जरूरत होती है, बट ऑब्वियस सी बात है कि पैसों की जरूरत उनको तो होती है। तो अगर अपन बात करें शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब जो उधार उनको लेस देन 1 ईयर के लिए चाहिए। लेस देन 1 ईयर मतलब इस बार की उनकी फसल कैसी होगी, क्या होगी। तो लेस देन 1 ईयर मतलब फार्मर का 1 ईयर के अंदर उसको क्या चाहिए रहते हैं, कभी सीड्स खरीदने रहते हैं, कभी छोटे मोटे फर्टिलाइजर्स खरीदने रहते हैं, जैसे कभी कभी छोटा मोटा शॉर्ट टर्म 2 to 3 months का क्रेडिट चाहिए रहता है जब तक फसल उग जाए। तो ये होता है बेटा शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ये क्या होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। सर मीडियम टर्म क्रेडिट मतलब 1 to 5 years, 1 to 5 years। सर ये 1 to 5 years का मतलब क्या, जब किसान कोई मशीन लेता है अपने खेत के लिए, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, या कोई बहुत बड़ा उसके कोई नया नई छोटा मोटा नई फसल उगा रहा है, तो नई फार्मिंग की कोई टेक्निक कर रहा है, या अपने उसमें कुछ कैनाल बना रहा है, तो ये उसके लिए उसको लोन होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है अप्रोक्सीमेट 5 to 10 years के लिए। ये गांव में उनको तब लगता है जब वो अपनी कोई नई खुद की जमीन खरीदता है या कोई वो मैरिज करता है अपने घर में। तो अगर कोई किसान अपनी नई लैंड खरीद रहा है या नई मैरिज कर रहा है, अपने घर में किसी बच्चे की मैरिज कर रहा है, तो उसको 5 से 10 साल का थोड़ा लोन लगता है। ये बात है फाइनेंस। तो क्या सर इस प्रकार से 3 प्रकार के क्रेडिट है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। पहले मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ, बच्चों से पूछना चाहता हूँ, पर इसके पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, गांव में एजुकेशन क्या है। सर नॉर्मली गांव में कोई प्राइवेट स्कूल तो है नहीं, सारे के सारे क्या है गवर्नमेंट स्कूल। सर गवर्नमेंट स्कूल में भी जो लेवल ऑफ एजुकेशन, जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो थोड़ा सा अपन क्या मान सकते हैं, सरकारी जुनून कर लो, जो सिंसेरिटी जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम क्या है अपना स्लो एजुकेशन सिस्टम है, या अपन बोलते हैं क्या अपने यहाँ इजी पास सिस्टम है। मतलब अपन मैंने आपको बताया था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कि 8th क्लास तक के सारे बच्चों को सरकारी स्कूल में फेल करना वर्जित है, मतलब पास करना ही पड़ेगा। तो क्या सर हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर अपन गांव में बात करें तो बेटा एक गांव में मैक्सिमम एक गांव में मैक्सिमम एक स्कूल होता है। मैक्सिमम कितना स्कूल होता है, एक स्कूल होता है, और वो भी एक स्कूल, एक तो वो सरकारी होता है और उसकी क्या होती है मोनोपोली। उसके अलावा भी वहां पे क्या होता है थोड़ा सा करप्शन और रेपटेपिज्म। सर करप्शन का मतलब क्या, कुछ नहीं बेटा, वहां पे करप्शन का मतलब ये नहीं होता कि लोगों से ज्वाइन करने के लिए पैसे लिए जाते हैं, नहीं, वहां पे पैसे तो नहीं लिए जाते लेकिन बच्चों को वो क्वालिटी ऑफ नॉलेज दिया ही नहीं जाता है। सर देन गाँव में क्या वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, क्यों, क्योंकि गाँव में वेज रेट कम है। वेज रेट कम है मतलब जो लोग काम करते हैं उनको बहुत, अगर आप गाँव में किसी बंदे को दिन भर के लिए काम कराओगे तो उसको महीने के 5,000 रुपए दोगे तो भी वो खुशी खुशी काम कर लेगा। तो कैसे दिन भर कोई आप क्या काम कर रहा है उसके 5,000 रुपए क्या सही हुए क्या, नहीं यार बेटा। तो गांव में क्या है वेज रेट कम है। सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है सर, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी क्या है गांव में कम है, क्योंकि गांव में मेन जो ऑक्यूपेशन है, जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है बेटा एग्रीकल्चर। तो अगर एग्रीकल्चर में दूसरी प्रॉब्लम क्या है बेटा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि पति पत्नी घर के बच्चे, 4 बच्चे हैं तो चारों के चारों बच्चे उसी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना बेटा। टेक्नोलॉजिकल वाले पॉइंट को कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स, जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जिससे काम एफिशिएंटली हो सकता है, जिससे काम एफिशिएंटली हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ सकता है, मोर प्रॉफिट हो सकता है, जिससे चीजें सिस्टमेटिक हो सकती है, इकोनॉमी के अंदर एक प्रकार का सिस्टमेटिज्म आ सकता है, वो सब क्या चीजें, वो देखने आनी सब चाहिए। चीजें गांव तक अभी तक हमारे इंडियन गांव तक नहीं पहुंची। तो उधारी सर सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट क्या है, सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट क्या है गांव के, सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। तो बेटा एक तो होते हैं तुम्हारे पास नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और एक तुम्हारे पास होते हैं बेटा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। साथ में याद करते जाओगे, जो बच्चे मुझे लिख लिख के फोटो भेजते जा रहे हैं वेरी गुड यार बेटा, वो प्रोसेस को अपने करना है। एक होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और एक होते हैं बेटा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। सर क्या इस बात को डिटेल में एक क्लास 12th के, ग्रेड 12th के बच्चे को पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ यार बेटा समझना, एक होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और एक तेरे पास क्या होते हैं
इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, एक क्या होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस. सर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस मतलब जो गांव के लैंडलॉर्ड्स, क्या वो उधार बांटते हैं? हाँ बेटा, लैंडलॉर्ड्स उधार बांटते हैं. जो गांव के बड़े बड़े विलेज ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जिनके खुद के बहुत बड़े बड़े गोडाउन है और ये सब, क्या वो बांटते हैं? हाँ. और सर क्या गाँव में बहुत सारे मनी लेंडर्स भी होते हैं क्या, जिनका काम ही होता है क्या पैसा ब्याज पे चलाना? ठीक है ना बेटा. तो अगर आप बात करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है, और वो बात इंपॉर्टेंट समझने की है कि गांव के अंदर अभी तक का, अगर मैं आपको 2015 तक की बात करूं, तो 93% ऑफ द क्रेडिट इन सोर्सेस के थ्रू. सर ये एक बुरी बात है, 93% ऑफ द क्रेडिट इन सोर्सेस के थ्रू है. इसका मतलब जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं, मतलब जो बैंक्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो बहुत बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, बहुत बार क्या होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जो प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक रूप से लोन बांटती है, यहां से लोन लेने की प्रतिक्रिया सिर्फ 7% है. अब इस पॉइंट पे सीबीएसई बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गांव में रूरल क्रेडिट की समस्या बड़ी तो बड़ी क्यों है और किस प्रकार से बड़ी है, किस प्रकार से बड़ी है. सरकार ने बहुत सारी आरआरबीज खोल के रखी. आरआरबीज का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स. तो सरकार ने बहुत सारी आरआरबीज खोल के रखी हैं. तो आपसे सिर्फ पूछने का मतलब, बताने का मतलब ये था कि गांव वाले लोग क्योंकि, क्योंकि अब रीजन समझो, क्योंकि वो अनएजुकेटेड, क्योंकि वो अनएजुकेटेड, बहुत बार उनके पास कुछ कोलैटरल नहीं, बहुत बार कुछ उनके पास कोलैटरल नहीं, थर्डली वो अनअवेयर्ड है, थर्डली वो क्या है, अनअवेयर्ड है. ये तीन कारण है, ये तीन कारण है कि गांव वाले 93% ऑफ द फाइनेंस इन लोगों से लेते हैं. अभी सर ये लोग गांव वालों को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, गरीब इंसान को, गरीब ट्रेडर को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? आपको पता है गांव में जो ये जमींदार होता है, ये जो ये मनी लेंडर होता है, क्योंकि क्योंकि किसान को अकल नहीं है, किसान क्योंकि एजुकेटेड नहीं है, किसान को पता नहीं वो किस कागज पर अंगूठा लगा रहा है, किसान को नहीं पता वो किस कागज पर अंगूठा लगा रहा है, किस कागज पर साइन कर रहा है. तो उसको अगर वो 1 लाख का या 2 लाख का किसी भी कारण से अगर ये लोग लोन देते हैं उसकी फसल के लिए, जैसे अगर मैं बोलूं अभी बारिश पड़ गई, अगर बिन मौसम बारिश पड़ गई तो बहुत बार किसान की फसल खराब हो जाती है. ही नीड्स कुछ प्रोटेक्शन ताकि वो फसल को ठीक करा पाए या फसल को ट्रांसपोर्ट करके शहर ले जा पाए, तो उसके लिए उसको उधार की जरूरत पड़ती है. तो बेटा गांव के अंदर बताओ क्या होता है, उनका रेट होता है 2% पर मंथ. बहुत गंदा रेट सुनोगे, 2% पर मंथ मतलब 24% साल का, 24% पर ईयर का रेट चलता है गांव में. सर 24% इंटरेस्ट, हाँ बेटा 24. अगर आज यही लोन बैंक से लिया जाए तो कोई भी बैंक एग्रीकल्चरल लोन एग्जैक्टली जो इंटरेस्ट रेट चलता है एग्रीकल्चरल लोन का, हर बैंक का मैक्सिमम रेट है 8% फॉर एग्रीकल्चर. मतलब अगर आप कोई लोन बैंक से लोगे और बैंक से अगर एग्रीकल्चरल लोन लोगे तो 8%. सर अगर बैंक से कोई और लोन लिया जाए, तो बैंक से अगर आज आप और मैं कोई सा भी लोन लेते हैं, किसी प्रकार का लोन लेते हैं, तो उसका मैक्सिमम रेट 12-14% के बीच होता है. जब अपन कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो 12-14% के बीच में होता है, लेकिन वो भी 12% होता है बेटा, 12%. गांव में क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास कागजात नहीं है, क्योंकि मेरे को लिखा पढ़ी नहीं आती, क्योंकि मेरा बैंक में खाता नहीं खुला हुआ, क्योंकि मेरी कोई गारंटी नहीं दे पाएगा, क्योंकि मेरे पास मेरा आधार कार्ड नहीं है, इसी कारण से गांव वालों को, एक अनपढ़ व्यक्ति को, आज आप किसी गरीब के पास, अपने आसपास वाले किसी भी स्लम के पास जाओ और उससे पूछो कि भाई देखो लोन चाहिए, तो बैंक जाएगा, बोले बैंक की मगजमारी कौन करेगा, क्योंकि बैंक वाले बोलेंगे ये कागज लाओ, बैंक वाले बोलेंगे वो कागज लाओ, हमारे पास तो कोई कागज ही नहीं है. तो बेटा बताओ उन बेचारों का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, उनको 1 लाख रुपए का लोन ले लिया उन्होंने, तो 1 साल बाद उसको 1 लाख वापस नहीं करने, 1,24,000. और ये बट ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि गाँव का किसान वो पैसा वापस नहीं कर पाता, तो जो अगले साल ब्याज लगेगा वो 1,24,000 रुपए लगेगा. तो सर नेक्स्ट ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 24+6 और 30,000, मतलब 1,50,000 2 साल. अगर गांव वाले ने कोई उधार लिया 1 लाख रुपए का गांव में, तो उसका ऑलमोस्ट 4 इयर्स पूरा पैसा डबल उधार पे होता है. मतलब 1 लाख का उधार कन्वर्ट हो जाता है कितने में, 2 लाख में. सर आप समझाना क्या चाह रहे हो बेटा, मैं आपको एक्चुअल रूरल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि गांव किसान गरीब कैसे रहता है.
गांव में क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेटा अगर ये सब बातें आप समझोगे अगर गांव में, क्योंकि किसान पे अपन बात करें की है, ठीक डाउट है बेटा। सर गांव वाले मैक्सिमम लोन लेते हैं कहां से? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से। अब इसमें क्या करते हैं, बहुत बार समझो किसी किसान के पास खुद की जमीन है, उसने अपनी जमीन गिरवी रख दी थी, गिरवी कागज, तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसको कैलकुलेशन नहीं आता। सर किसान को कैलकुलेशन भी नहीं आता, मुझे एक बात बताओ तुम में से कितने बच्चों को इंटरेस्ट निकालना आता है? खुद सोचो तुम में से कितने बच्चों को इंटरेस्ट निकालना आता है कि मैं बोलूं कि मैंने 2 लाख का उधार दिया था, 2 लाख पे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट अपन ने बचपन में पढ़ा था, ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 2 लाख पे 12% के हिसाब से या 24% के हिसाब से 5 साल में कितना ब्याज होगा? तुम बताओ तुम में से अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं कि 2 लाख पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के 24% के हिसाब से 5 साल का, सर क्या समझाना चाह रहे हो? बेटा इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूँ कि तुम में से भी 50% ऑफ दी बच्चे, हो सकता है कुछ कुछ तो गर्ल्स, मेनली गर्ल्स, उनको ये ब्याज निकालना आते नहीं है। जब तुम 11-12 तक पढ़े लिखे होने के बाद तुमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं आता, जब तुम्हारे पापा की कार लेके आते हैं उस कार की जो ईएमआई होती है पापा भरते जाते हैं, बहुत बार वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते ही नहीं है, जो उन्होंने करके दिया वो सही। जब अपन जैसे पढ़े लिखे लोगों को, बहुत सारे लोगों को अगर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं आता, तो वो जो गाँव का गरीब किसान है, जो गांव का गरीब किसान है उसको कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आएगा? तो सर वो करता क्या है बेटा? वो कुछ नहीं करता, उसको जैसा ब्याज बोला जाता है वैसा ब्याज 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 भरते जाता है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वो कीप ऑन भरता जाता है। सही से होता क्या है, 5-6 साल के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो उसका घर होता है, जो उसका थोड़े बहुत गहने होते हैं, वो जो गिरवी रखे हुए होते हैं, ऑटोमेटिकली जमींदार बोलता है भाई तेरे तो 1 लाख के 3 लाख बन गए, या तो पैसा दे या तो वो जमीन हमारे नाम दे। तो जो किसान की खुद की जमीन होती है ऑटोमेटिकली उसकी वो भी जमीन छूट जाती है। सर क्या ये कड़वा सच है? द आंसर इज हाँ यार बेटा, ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। तो कैसा ऐसे गरीबी और मल्टीप्लाई होती है? हाँ बेटा, फिर बताऊ क्या होता है, जमीन किसकी होती है? इनकी। प्रॉपर्टी किनकी होती है? इनकी। तो क्या सर गाँव की सबसे बड़ी जो पॉवर्टी की अनएजुकेशन, अच्छा गाँव में क्या होता है, जितने बड़े लोग है ना ये ट्राई करते हैं कि इन गरीब किसानों के बच्चों को पढ़ाई कम से कम मिले, क्योंकि अगर ये पढ़ लिख के समझ गए तो दे विल आस्क फॉर इंटरेस्ट, दे विल कैलकुलेट, और ये कैलकुलेशन अगर उनको समझ में आ गया कि कैसे ये लोग हमको लूट रहे, तो वो चीज तो अल्टीमेटली उनका बिजनेस हो जाएगा। तो बहुत सारे गांव के लैंडलॉर्ड्स, विलेज ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स ट्राई करके एजुकेशन को गाँव में प्रमोट नहीं करते क्योंकि उनके बच्चे तो शहर आके पढ़ लेते हैं। तो क्या सर ये एक्चुअल सच्चाई है? हाँ बेटा ये एक्चुअल सच्चाई है। तो सरकार ने इसके लिए क्या शुरू करा? सरकार ने एक मुहिम शुरू करी। सबसे पहले तो सरकार ने खोली बेटा नेबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, सरकार ने नेबार्ड खोली, और नेबार्ड ने जो काम किया, तो ये जो बैंक है, ये बैंक है ही एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये बैंक है ही एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। तो सरकार ने क्या खोली बेटा नेबार्ड, नेबार्ड का काम ही क्या था, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। आई रिपीट, अगर मैं बात करूं तो सरकार ने खोला नेबार्ड, और नेबार्ड का काम क्या था, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अच्छे से, ठीक है ना बेटा। तो सर इसके थ्रू सरकार ने क्या करा, सरकार ने बोला अगर आपको कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन चाहिए, कैसा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, कैसा भी लोन चाहिए, आप बस इतना बता दो कि आप किस गांव में कहां पे खेती करते हो, बहुत बार आपके पास प्रॉपर्टी के कागज हो या ना हो, कोलेटरल हो या ना हो, हम आपको अपनी अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, अपनी अलग अलग स्कीम्स के थ्रू हम आपको लोन सैंक्शन करना शुरू करेंगे। क्या सरकार ने ये काम शुरू करा? हाँ यार बेटा सरकार ने ये काम करना शुरू करा। सेकेंड बेटा रीजनल रूरल बैंक, सरकार ने हर बैंक, पहले तो एक बैंक को बोला, कोई भी बैंक आज खुलती है तो एक बात ध्यान रखना, जैसे अगर आज SBI खुल रही है, अगर आज SBI खुल रही है या कोई भी नई बैंक को खुलना है, तो उन्होंने रेशो करके रखा है 4:1 का। तो ये 4:1 का रेशो क्या है, अगर किसी भी बैंक को किसी भी शहर में, जैसे अगर मैं बोलूं SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, अगर उसको इंदौर में ब्रांचेस खोलनी है, तो गवर्नमेंट ने ये रूल बना के रखा है, अगर आप 4 ब्रांचेस इंदौर में खोलना चाहते हो तो पहले आपको एक ब्रांच इंदौर के आसपास वाले गांव में खोलनी पड़ेगी। अगर आप 4 ब्रांचेस अगर आप इंदौर में खोलना चाहते हो, तो एक ब्रांच आपको इंदौर के आसपास
वाले शहर में, एक आसपास वाले गांव में खोलनी पड़ेगी। मतलब जिस भी बैंक को शहरों में ब्रांचेस खोलनी है उनको आरआरबीज बनाना बड़ी जरूरी है। आरआरबीज मतलब रीजनल रूरल बैंक। नॉर्मली कोई भी बैंक गांव में अपनी ब्रांचेस खोलना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि गांव में जो भी लोग आएंगे वो अनपढ़ आएंगे। उनको एक बार लोन दे दिया तो लोन वापस कैसे लेंगे, चीजें कैसे बोलेंगे, क्या समझाएंगे, कैसे कोलेटरल मंगाएंगे, कैसे कागज साइन करवाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सरकार ने बोल दिया 4:1 का रेशियो है। सरकार ने खुद की तरफ से अलग अलग गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक के थ्रू बहुत सारी आरआरबी खुलवा दी, बहुत सारी क्या खुलवा दी, रीजनल रूरल बैंक। सरकार ने बहुत सारी रीजनल रूरल बैंक्स खुलवा दी, जिसके तहत सरकार ने क्या करा कि हर गांव में इन बैंकों के थ्रू गांव के अंदर जा जाके, पहले तो बैंक ही गांव में, फिर बैंक के जो मैनेजर्स हैं, जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं, वो गांव के अंदर जा जाके बताते हैं कि हम आपको लोन दे देंगे, हम आपको 8% पे लोन देंगे, हम आपको एग्रीकल्चरल लोन दे देंगे, अगर आपको सीड खरीदना है तो हम आपको सीड के लिए लोन दे देंगे, अगर आपको कोई कैनाल बनवाना है तो कैनाल के लोन दे देंगे। तो क्या सर ऐसा काम सरकार ने शुरू करा? हाँ बेटा, आप पढ़ रहे हो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको ये नहीं भूलना है कि आप क्या पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका मतलब जो आज का सिनेरियो आप देख रहे हो बेटा, आज के भारत को बनने में अप्रोक्सीमेट 70 साल लगे हैं बेटा। अगर ये सब नहीं खुला होता, अगर ये सब चीजें नहीं हुई होती, तो तुम्हारा गांव आज भी पिछड़ा वर्ग होता। तो क्या सर गांव आज भी पिछड़ा नहीं बेटा? ये तो आप बातें समझ रहे हो 1950 से लेके कैसे डेवलपमेंट होते 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 हम 2014 2019 तक आए, 2020 तक आए, जब से आजादी हुई उससे लेके। तो क्या सर ये सब चीजें करी गई? हाँ बेटा। क्या बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई? अब सर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो डिटेल में बात वैसे तो कल होनी चाहिए। लेकिन हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई, मतलब गांव में क्या हुआ, सरकारी लोग गए, मतलब सरकार ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज बोलते ना भेजे, जिसको बोलते ना गवर्नमेंट का ऑफिशियल आया, सरकारी बाबू आया है। किसी ने वो सीरियल देखा हो जो अमेजोन प्राइम पे आ रहा है, पंचायत, एक सीरियल शुरू हुआ, देखना बड़ा मजा आएगा, पंचायत, जीतू भैया का सीरियल है पंचायत। तो आपको मालूम पड़ेगा कि गाँव में डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सरकार ने खुद के लोग भेजे गाँव गाँव में, और गाँव गाँव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्रिएट कर। सर गांव में भैया, कौन? मैं थोड़ा हाँ बेटा, कैमरा नीचे कर दूँ, दिख नहीं रहा हूँ। हाँ बेटा कर देता हूँ, 1 मिनट में कर देता हूँ, है ना बेटा, एक सेकंड, ठीक है बेटा। तो गांव गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का लॉजिक क्या करा गया गांव में, कि गांव वालों को समझाया गया, समझो आपके पूरे गांव में एक वेल की समस्या है, कि आपको चाहिए कि गांव में एक बड़ा कुआं होना चाहिए, तो क्यों ना इसके लिए आपने आपस में, तो पूरी पंचायत है, ये तो पूरे गांव के लोग, उन्होंने आपस में खुद की सोसाइटी बना दी। उसमें करीबन आपने गांव के हर फैमिली से एक मेंबर ले लिया, ऐसी 12 फैमिलीज के मेंबर हो गए। अब 12 फैमिलीज ने गांव के पूरे, ये वेल हो गया, कैनाल हो गया, या छोटी सी कोई स्मॉल रिवर हो गई, या स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, इन सब के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी। आपने उनको, उन्होंने बोला कि अगर आपके गांव में बहुत सारी गायें हैं, भैंसे हैं, बहुत सारी ये है, और आपके यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो आप अपना मिल्क किसको प्रोड्यूस करके बेचते हो? सर हम तो शहर में बेचते हैं एट अ रेट ऑफ 30 रुपीज पर लीटर या 28 रुपीज लीटर। वो जो दूध गाँव वाले तुमको 28 रुपीज लीटर में देते, किसको, दुकान को, वो अपने को 55 रुपीज लीटर देता है। जो सांची का दूध है आपके और मेरे घर में 55 रुपए लीटर का आता है। इसका मतलब लॉजिक क्या, जो बेचारा किसान अपनी गाय में से दूध निकालता है, जो एक्चुअल एक्सट्रैक्टर है, अपन कितना पे कर रहे हैं उसके लिए, 55, और किसान को कितना मिल रहा है, 28। तो तुमको लगता नहीं है इनडायरेक्टली किसान के साथ वापस से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? सर देखो हो तो रहा है यार किसान के साथ एक्सप्लॉयटेशन, तो ये बात तो गलत है। तो सर समझने की बात क्या है, समझने की बात ये है कि 28 रुपए वाला दूध जब 55 रुपए बिकता है, इनको समझाया गया कि क्यों ना आप खुद की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब ये सांची है ना, सांची कोऑपरेटिव सोसाइटी है बेटा। तो सर सांची का दूध जो 55 रुपए का आता है, तो इस 55 रुपए में से अप्रोक्सीमेट 45 रुपीज गांव के किसान वाले तक पहुंच जाते हैं। तो क्या सच्ची बात बता रहे हो? हाँ बेटा, क्योंकि जो सांची दुग्ध संघ है, अगर आप सांची के ऊपर पढ़ोगे तो सांची के ऊपर लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल के ऊपर लिखा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सर कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट हुई, कैसे एक स्टैंडर्ड रेट बना, इन सब पे तो अभी अपन और डिस्कस करेंगे। सर अगर गांव में किसी प्रकार की लोन की समस्या है,
कि गांव में हर किसान को किसी ना किसी साल किसी की कोई फसल खराब हो जाती है, या किसी को हर साल कोई ना कोई ट्रैक्टर लेना है, किसी को किसी साल थ्रेशर लेना है, किसी को किसी साल बैल लेने हैं गाँव में, किसी को अच्छे क्वालिटी के सीड्स लेने हैं, तो अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो बोले लोन की समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने बोला आप सरकार की इस स्कीम के तहत अपनी खुद की कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करो। और उन्होंने बोला सरकार एक इंडिविजुअल किसान की जगह, सरकार एक इंडिविजुअल किसान की जगह इन कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन ज्यादा देना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर लोन आएगा तो बताओ एक किसान को जाएगा कि 15-20 किसान को चला जाएगा? सर 15-20 किसान को चला जाएगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अपने आप में क्या है, लीगल एग्जिस्टेंस भी है। तो सर क्या ये सब बातें होती हैं? हाँ यार बेटा। तो ये रहा यहां तक का खेल, अगर बच्चों को यहां तक का समझ में आया हो तो बात करें बेटा।